अगली खबर हिमाचल से आ रही है, जहां कांगड़ा के ज्वाली के गांव कुठेहड़ में विवाहिता उषा देवी की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने शनिवार को ससुराल के घर के पास ही शव जला दिया। जी हां, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मायके वालों का आरोप है कि उन्हें कुठेहड़ पंचायत का कोई सहयोग नहीं मिला और ना ही कोई पंचायत का सदस्य हमारे पास आया। मृतिका की माता गुड्डी देवी, मौसी और मामा का कहना है कि जब वो शव को लेकर कुठेहड़ पहुंचे तो उन्हें किसी ना कोई सहयोग नहीं किया, इसीलिए मायके की तरफ से आई भीड़ ने श्रुब्ध होकर सुबह करीबन 8 बजे घर के किनारे ही सीढ़ियों के पास शव को जला दिया। ऐसे में अगर ससुराल की तरफ से कोई मौके पर आता और बड़ा हादसा हो जाता तो उसके लिए जिम्मेवार कौन था? अब पुलिस इसमें कोई बयान देने से अपना पल्लू झाड़ रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस मामले को देखते हुए पुलिस करीबन 9 बजे मौके पर आई, पर तब तक मायके वालों ने शव को आग के हवाले कर दिया था। इसके साथ ही मायके वालों ने कुठेहड़ पंचायत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। फिलहाल अभी धीरे धीरे सब शांत हो गया और पुलिस ने शव को जलाने को लेकर कुछ लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। याद रहे कि उषा देवी के मर्डर में पुलिस ने उसके पति अर्जुन सिंह व सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम भी आपके साथ कोऑपरेट की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आपको अपने कोई लड़ाई नहीं किया किसी। ऐसे है कि जब हमारी बच्ची मर गई यहाँ पर, तो ये लोग उन्होंने नहीं कोऑपरेट किया, पुलिस ने कोऑपरेट किया कि नहीं किया, इसकी बच्ची मर गई, पुलिस का कोऑपरेशन मिला कि नहीं मिला, आप ये नहीं, नहीं, आप ये बताओ कि गांव वालों के बारे में बात कर रहे हैं, गांव वालों ने किस बारे में बात कर रहे हैं, गांव वालों के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों ने हमें कोऑपरेट किया, हमारी बच्ची मर गई, नहीं हमारी बच्ची मर गई, दो बच्चों की कितना गांव बसता है, जेल में आने के बाद जेल में चले गया वो, जेल में मरने के बाद भी जेल में नहीं जाना था उसने, नहीं मरने के बाद भी जेल में नहीं जाना था, आपने उसको बाहर रखना था, हमने आपका साथ दिया, किसने सपोर्ट नहीं किया, कितनी बिरादरी है इनकी, इनके कोई बात नहीं है, मैं देखो हम रोड खाली कर बात करने लगे, आज हम बात करेंगे, जब ससुर से चाबी मांगी है कि चाबी दो रूम खोलना है, उसने बोला कि जहां मर्जी जला दो, जहां मर्जी हो कर दो। सर आपसे आपसे तो हुई थी ना, आपसे बात हुई थी कि सर हाँ ऐसे ऐसे पोस्ट मार्टम करके ले आए हैं, जा रहे हैं घर ले आए हैं, बाद में जब बोला कि जहां मर्जी लेने गए ना तो प्रधान ने जहाँ मर्जी चला, जी हाँ उसके ससुर ने बोला है कि जहाँ मर्जी चला दो। अब वो अब इन सीर को परेशान करने की क्या जरूरत है, जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।